आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सितंबर 2019 के NXT शो के रिजल्ट्स के बारे में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और आज था NXT का सेकंड एपिसोड ऑन द USA नेटवर्क और ये बेसिकली था अगले हफ्ते के लिए बिल्ड करने के लिए क्योंकि वो होगा पहला हफ्ता जब दो घंटे जो हैं वो USA नेटवर्क पर एयर करे जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पहली बार AEW के अगेंस्ट हेड टू हेड जाएगी NXT, तो वो डेफिनेटली बड़े मैचेस जो है हमें अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। आज के शो की हम बात करें गाइज तो रेसलिंग वाइज ये अच्छा शो था, काफी हद तक अच्छा था, लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी वो ये कि पिछले हफ्ते जो हमें सुपरस्टार्स देखने को मिले थे उनमें से कुछ सुपरस्टार्स हमें इस हफ्ते देखने को नहीं मिले, तो जो स्टोरी लाइन की कंटिन्यूएशन थी वो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें इसमें पॉजिटिव है कि और नए सुपरस्टार्स को इंट्रोड्यूस यहां पे NXT ने करा है। तो स्टार्ट होता है शो गाइस कीथ ली अगेंस्ट डोमिनिक डिजाकोविच और मेरे हिसाब से ये एक कमाल का मैच था क्योंकि दोनों ही ये रेसलर जो है जायंट्स हैं, काइंड ऑफ 167 है, 165 है और 300 pounds के आसपास इन दोनों का वेट है। और जिस तरीके से इन दोनों ने हाई फ्लाइंग मूव्स करे हैं, इन दोनों ने स्प्रिंग बोर्ड मूव्स करे हैं, कमाल का इन दोनों के बीच में हमें मैच देखने को मिला। एंड में कीथ ली जो है वो ओवर पावर कर देते हैं डोमिनिक डिजाकोविक को और वो जीत जाते हैं इस मैच को। तो काफी अच्छा ओपनर था और जो क्राउड था पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में उतना ज्यादा लाउड नहीं था, लेकिन मुझे लगता है अगले हफ्ते स्पेशली जो है वो कमाल का होने वाला है क्राउड क्योंकि ये एक बिल्डअप एपिसोड था। तो ऐसा नहीं है कि अब हर हफ्ते की NXT जो है वो बिल्कुल 10 out of 10 होगी, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर शो जो है वो इतना ज्यादा अच्छा हो। अगला मैच हमें देखने को मिला डकोटा काय अगेंस्ट टेनेरा और यहां पे गाइज मुझे लगता है कि ये अच्छी शोइंग थी दोनों सुपरस्टार्स के लिए। टेनेरा एक ब्राजीलियन सुपरस्टार हैं और डकोटा काय मुझे काफी ज्यादा सिमिलर लगती हैं बेली से, उनका स्टाइल भी मैचिंग है और जिस तरीके का उनको रिएक्शन मिलता है काइंड ऑफ एक बेबी फेस रिएक्शन है और इस मैच में उनको काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाया गया था, यहां पे उनकी विक्ट्री भी हुई है। तो एक अच्छा मैच था, दोनों सुपरस्टार्स को मैंने बिल्कुल भी देखा नहीं है, पहली बार देखा है तो मैं ज्यादा फेमिलियर नहीं हूं, इसलिए बहुत बड़ा ओपिनियन मेरा यहां पे फॉर्म नहीं हुआ है। अगले मैच की हम बात करें गाइज तो पिछले हफ्ते के बाद हमें यहां पे एक रीमैच देखने को मिला मैट रिडल और किलियन डेन के बीच में और ये थी गाइस एक NXT चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए स्ट्रीट फाइट और ये मैच था बिल्कुल कमाल का। इसको USA नेटवर्क पर एक तरीके से मेन इवेंट के फॉर्म में रखा गया और इस बार मैट रिडल और किलियन डेन ने एक बार फिर से बता दिया कि जब उनको पूरे अच्छे से टाइम दिया जाए तो कितना अच्छा मैच वो दे सकते हैं। स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो थी, स्ट्रीट फाइट थी तो वेपन्स का भी हमें यहां पे यूज देखने को मिला, थोड़ा क्राउड के थ्रू भी ये लड़े और काफी अच्छे तरीके से इस मैच को बनाया गया और एंड में हमें देखने को मिलता है कि मैट रिडल जो है इस मैच को जीत जाते हैं, टैप आउट करा देते हैं किलियन डेन को और मैच के बाद आ जाते हैं बाहर एडम कोल और वो कहते हैं कि मेरी चैंपियनशिप है ये, तुम मेरे आसपास भी बिलोंग नहीं करते हो। और उसके बाद मैट रिडल भी आर्म ब्रेकर में डाल देते हैं एडम कोल को और अनडिस्प्यूटेड एरा आ जाती है भाग के बाहर, लेकिन मैट रिडल एस्केप कर लेते हैं। तो अगले हफ्ते हमें बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है, एडम कोल वर्सेस मैट रिडल फॉर द NXT चैंपियनशिप, तो बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच होगा। उसके बाद गाइस हम चले जाते हैं WWE नेटवर्क पर सेकंड आर के लिए और यहां पे पहला मैच होता है रिया रिपली अगेंस्ट केडन कार्टर और रिया रिपली मुझे लगता है वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स बनने वाली है NXT में। अगर शेना बेजलर चली जाती हैं आगे मेन रोस्टर में तो मुझे लगता है रिया रिपली वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स होंगी NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शोइंग थी। इस मैच में बिल्कुल चांस नहीं दिया उन्होंने केडन कार्टर को और इजीली इस मैच को यहाँ पे जीत लिया। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है ओनी लोरकन एंड डैनी बर्च अगेंस्ट एवर राइज और ओनी लोरकन जो लास्ट वीक एक कमाल के मैच के बाद हारे थे लियो रश के अगेंस्ट, वो यहाँ पे एक टैग टीम मैच का पार्ट बने और यहाँ पे भी इन दोनों ने कमाल की रेसलिंग की। इनकी टैग टीम का जो स्टाइल है मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और ये मैच को जीत भी गए। एवर राइज मुझे कुछ बहुत ज़्यादा खास टीम लगी नहीं, लेकिन बिल्कुल इनको एक मैच के बाद इतना जज नहीं करना चाहिए, अगर इनको आगे आने वाले समय में अच्छे से बुक करा जाता है तो प्रोबेबली ये भी एक अच्छी टीम बन सकती है। और टैग टीम्स की यहां पे बात चली रही है गाइस तो मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते हमें देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड एरा अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स फॉर द NXT टैग टीम चैंपियनशिप और हमें लग रहा था कि जो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स अब आ चुके हैं मेन रोस्टर पे, लेकिन उनको वापस भेजा जा रहा है एक मैच के लिए, तो क्या वो उस मैच को जीतेंगे या फिर उनका वो आखिरी मैच होगा NXT में, देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा।
तो अगला हफ्ता बेसिकली एक नाइट ऑफ चैंपियंस है एनएक्सटी के लिए, और लिमिटेड कमर्शियल्स के साथ हमें ये 2 घंटे का शो देखने को मिलेगा, जो कि काफी कमाल की बात है। उसके बाद गाइस कैमरन ग्रिम्स अगेंस्ट राहुल मेंडोजा, और लास्ट वीक हमने देखा था किस तरीके से कैमरन ग्रिम्स जो है इजिली 1 या 2 सेकंड में अपना मैच जीत गए थे, लेकिन इस हफ्ते भी उन्होंने सेम ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करी, लेकिन राहुल मेंडोजा जो है उनको पता था कि ऐसा होना है तो वो उससे बच गए, और उसके बाद हमें एक प्रॉपर मैच देखने को मिला। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि कैमरन ग्रिम्स भी एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको अच्छा बुक करा जा रहा है, और वो इस मैच को जीतते हैं अपने सेम फिनिशर से, जो कि एक काइंड ऑफ फ्लाइंग डबल नी स्टॉम्प है, और इससे वो जीत गए। और उसके बाद राहुल मेंडोजा जो है यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा काफी अच्छी शोइंग थी इनकी, किस तरीके से इनको बुक करा जाएगा वो भी आगे आने वाले समय में काफी इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद गाइस हमारा मेन इवेंट जहां पे इंपीरियम अगेंस्ट कुशीडा एंड 2 मिस्ट्री पार्टनर्स था, और ये 2 मिस्ट्री पार्टनर्स थे ब्रिजांगो यानी कि फंडांगो और टाइलर ब्रीज, और जबकि इनका अभी भी वो फैशन पुलिस वाला गिमिक चल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तब भी इनकी जो रेसलिंग है वो कमाल की है। मैंने बहुत समय बाद फंडांगो और टाइलर ब्रीज को लड़ते हुए देखा है तो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा, और कुशीडा अभी भी अनडिफीटेड है एनएक्सटी में, और यहां पर भी उन्होंने पिनफॉल जो है वो हासिल कर ली इंपीरियम के ऊपर, और ब्रिजांगो और कुशीडा की जो टीम है वो जीत जाती है। और मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है कि वॉल्टर आके एक बिग बूट से अटैक कर देते हैं कुशीडा पर, तो डेफिनेटली हमको क्लियर हो चुका है कि यूके चैंपियनशिप के लिए कुशीडा अगेंस्ट वॉल्टर हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। कब वो होगा वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके से आज की एनएक्सटी का शो का एंड हुआ था। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, और अपने ओपिनियन इस शो के बारे में मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।